हेलो एवरीवन बेटा, आज अपन क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड की जो मेरे पास चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा आज इस वीडियो में, ठीक है। इसकी जो मेरे पास फॉर्मूले हैं, देखो इस जो एक्सरसाइज में अपन पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, ठीक है, जिसके फॉर्मूले आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं बेटा। क्या क्या देखो इसके अंदर, एक तो पास इसका सी एस सी काम में आएगा, कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा अपने पास 2πRH। फिर अपने पास इसका टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा 2πRR+H। फिर इसका अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πR²H। और लास्ट अपने पास इसका बेस एरिया, वो क्या होता है अपने पास πR²। ये फॉर्मूला बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। डीजी एक्सरसाइज है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर अपने पास में। इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है कि मेरे पास डायमीटर दे रखा है सिलेंडर का, कितना अपने पास बताओ 14 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट अपने पास वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है उसका टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपको दिया बेटा डायमीटर दे रखा है, हाइट आपको गिवन है, फाइंड आउट करना आपको टोटल सरफेस एरिया और उसका क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको देखो, इसका सॉल्यूशन अपने पास हो जाएगा बेटा। पहले सबसे पहले अपने पास गिवन क्या था, इसका डायमीटर कितना बताओ 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करेंगे बेटा अपने पास इसकी रेडियस, रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे किससे बताओ आर से, वो हो जाएगा अपने पास डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियस अपने पास डायमीटर का क्या होगा हाफ, डिवाइड करो बेटा इसको, तो कितना आएगा अपने पास बताओ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस है राइट सर्कुलर सिलेंडर की, रेडियस अपने पास कितनी हो गई यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो गई बेटा। नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करेंगे बेटा इसका की बताओ यहाँ पे हेड गिवन है, इसकी हाइट लिख लो यहाँ पे अपने पास कितनी बताओ, इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना आपको इसका टोटल सरफेस एरिया, तो आप लिखोगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRR+H, 2πRR+H वैल्यू पुट कर दे बेटा, पाई की अपने पास 22/7, रेडियस की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी यहाँ से 7, फिर अपने पास 7 प्लस में एच कितनी इसकी 15, ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 2, 7 से 7 की हो जाएगा बेटा बताओ कैंसिल 22 मल्टीप्लाई बाई 15 को 7 प्लस करो कितना हो जाएगा अपने पास 15 और 7 22 हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाई कितना बेटा 22, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 88, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 88 प्लस ऐड करो कितना हो जाएगा 968 सेंटीमीटर अपने पास, साथ में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ना सॉरी एरिया अपने पास, तो एरिया की अपने पास यूनिट क्या होती है बताओ स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास क्या है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। डायमीटर कितना गिवन था आपको 14 सेंटीमीटर गिवन था, रेडियस आपके पास 14/2 रेडियस, डायमीटर का क्या होगा अपने पास हाफ होगी, कितना हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। एच इसकी कितनी गिवन आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में आपको। टोटल सरफेस एरिया 2πRR+H अपने पास फॉर्मूला होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, वैल्यू पुट किया हमने 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर आर की वैल्यू 7+15, 7 से 7 क्या किया आपने कैंसिल आउट कर दिया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा मेरे पास 44, 15 को 7 को ऐड करें कितना आएगा 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई करो बेटा अपने पास आंसर आएगा इसका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने इसका क्या फाइंड आउट किया बेटा बताओ टोटल सरफेस एरिया। अब सेकंड आपको क्या फाइंड आउट करना बेटा इसका बताओ वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करना है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कौन निकालना बेटा अपने पास इसका, तो ये मेरे पास इसका वॉल्यूम इक्वल टू फॉर्मूला अपने पास पाई आर स्क्वायर और साथ में क्या आएगा बताओ एच, वैल्यू पुट कर देंगे इसके 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की अपने पास होगी बेटा कितनी 7, रेडियस आपके पास 7 थे स्क्वायर है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एच की अपने पास कितनी बेटा 15, मैं आपको वैल्यू पुट कर देंगे अपने कितनी 15, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा अपने पास 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 क्या 7 को 2 से 14, 7 को 2 से करो तो 14 और 1 कितना हो जाएगा बताओ 15, 154 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा बेटा बताओ 15, सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई को 15 को 4 से 60 0 6,
5 से 75, 75 और अपने पास 6 कितना आ जाएगा 81, 1 ऐड के लिए अपने पास में 15 को 1 से कराऊंगा 15, 15 प्लस 8 बेटा 23, 2310 अपने पास क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 154 को देखो 22 किससे मल्टीप्लाई किया पहले 7 से कितना आ गया 154, 154 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से, तो आंसर आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। तो अपने पास वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, क्यूब रूट अपने पास होगी, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है अपने पास, और एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर अपने पास, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे इसका आंसर, ठीक है बेटा। इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है।